नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शर्मा। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू में। आज हम आप सब लोगों को दो ऐसे इंटरनेट वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप जानकर तंग रह जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोग अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और पहले इंटरनेट वेबसाइट का नाम लिखिए जिसका नाम है flightradar डालकर आप सब लोग सर्च कर लें। फ्लाइट रेडर पर सर्च करने के बाद ये देखिए, हमने तो थोड़ा सा मिस हो गया स्पेलिंग। ये देखिए रेडर, फ्लाइट रेडर आ गया, इस पर सर्च कर लिया हमने। अब ये देखिए पहला इंटरफेस आएगा, इस पर ये पहले वाले लिंक पे आप सब लोगों को क्लिक कर देना है। हमारा फ्लाइट रेडर 24 लाइव फ्लाइट ट्रैकर रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकर मैप, इस पर आप सब लोगों को टैप कर देना है। अब ये देखिए धीरे धीरे हमारा खुल रहा है, वेट करिए थोड़ा सा, खुलने वाला है। ये देखिए धीरे धीरे खुल रहा है, खुलने दीजिए, आराम से खुल रहा है धीरे धीरे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा साइड में खुलने लगा फ्लाइट ट्रेडर, इस तरह इसका इंटरफेस खुलेगा धीरे धीरे। एयरक्राफ्ट वगैरह इसमें सब हेलीकॉप्टर वगैरह भी दिखाते। ये देखिए इंडिया का मैप आ चुका है, इसके ऊपर अभी अभी कितने प्लेन उड़ रहे हैं ये भी दिखाएगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और जूम किया मैंने, थोड़ा सा नेट स्लो है हमारा इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लगता है मेरे को, और थोड़ा जूम आउट थोड़ा सा नेट स्लो है। ये देखिए वेबसाइट ही ऐसा है, ये थोड़ा सा लेग हो रहा है इसमें। ये देखिए जितनी इंडिया के ऊपर फ्लाइट अभी अभी उड़ रहे हैं उसका डिटेल और वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये सब भी बताते हैं, और इसका लाइव लोकेशन भी बताती है। जैसे कि हम इस वेबसाइट पर आए हैं तो यदि थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा क्लियर दिख जाए। ये देखिए थोड़ा लेग हो रहा है हमारा। ये देखिए IG05GHC6, ये देखिए इस पर ये हमारा ये हो गया BTICSS8227, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल सारा यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए आया था, थोड़ा सा नेट स्लो हो जाए तो चला गया। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखो रेड हो गया अपने TSC8227, इस पर नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि हो नहीं रहा है ज़्यादा प्लेन इधर है। अभी देखिए हम थोड़ा सा इधर करके इसी पर क्लिक करते हैं, BTI, इस पर क्लिक कर देते हैं। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये देखिए IG0451, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए प्लेन ये रेड हो गया हल्का सा। ये मेरा नेट स्लो है हल्का सा इसलिए ये लेग हो रहा है वेबसाइट थोड़ा सा। IG069, ये देखिए हैदराबाद टू इंदौर आ गया, हैदराबाद टू इंदौर आ गया था। अभी देखिए ये हैदराबाद टू इंदौर, ये देखिए हैदराबाद टू इंदौर आ गया, ये फ्लाइट का फ़ोटो आ गया, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे है जो वो सब आ गया, इसमें कितने पैसेंजर्स वगैरह हैं ये सब भी दिखा रहा है इसमें वगैरह वगैरह। इस प्लेन पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस पर टैप करने का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसे आप इधर टैप करते हैं तो थोड़ा ये वेबसाइट थोड़ा लेग हो रहा है इस समय, और पता नहीं बाद में सही हो जाए। देखो BLRN बेंगलुरु टू लखनऊ यहाँ का दिखा रहा है आप सब लोगों को लाइव लोकेशन दिखा रहा है। देखिए और थोड़ा ये इसमें दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं मैंने, ये देखिए इधर प्लेन इस प्लेन पे क्लिक किया, ये देखिए हेलीकॉप्टर, इसका डिटेल नहीं बताएगा क्योंकि ये वेटेगस का है इसलिए ये नहीं बताएगा इसका डिटेल, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर का शायद नहीं, एयरक्राफ्ट फोटो नॉट अवेलेबल, तो इसका अवेलेबल नहीं है फ़ोटो। ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो CCA631 पर क्लिक करते हैं। देखिए अब ये विदेश से आया हुआ प्लेन है, ये देखिए बेंजिंग टू फाइंड नहीं किया इसमें, डेस्टिनेशन तय नहीं किया अभी तक यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे वेबसाइट की तरफ, द इंटरनेट मैप। ये हमारा एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आप
सबसे बड़ी वेबसाइट यूज होने वाली क्या है, इससे छोटी इसके ये जो वॉल दिख रहा है इसके अंतर्गत आप लोगों को बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी है, सबसे छोटी वेबसाइट कौन सी है, इसके अंदर ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जैसे देखो ये google.com सबसे बड़ी वेबसाइट आपकी ये google.com ही है। अभी देखिए फेसबुक देखिए, उससे थोड़ा सा छोटा है तो ये फेसबुक, उसके वॉल के हिसाब से इसमें मैच किया गया है। तो e2.com उससे छोटा है, फेसबुक से छोटा यूट्यूब है, एडोब हो गया, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है एडोब। उसके कंपेरिजन में ये दिखाया जा रहा है कि जितना छोटा रहेगा वो किस वेबसाइट से कितना छोटा रहेगा, ये इसमें दर्शाया गया है। देखिए थोड़ा सा इसे मैं जूम प्लस करता हूँ, yahoo.com ये हो गया, बिंग हो गया, ये देखिए बिंग दिखता है, ask.com इधर ये है। ये देखिए जितना छोटा रहेगा उतना छोटा वेबसाइट रहेगा, उसका डिटेल भी हम यहाँ पर दिखाई देता है। द इंटरनेट में फाइबर जिस पर आप अर्न कर सकते हैं मनी, ये वो वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए mtv.com यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट तो ऐसी भी हैं जिसमें हम सब लोग जानते भी नहीं हैं इतने वेबसाइट है। कुछ वेबसाइट जो डिटेल नहीं दे रही है उसका कुछ अलग ही हो सकता है इसमें, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट इसमें अपना डिटेल दे रही हैं। liveperson.net ये सब वगैरह जो सब हम जानते भी नहीं हैं वो वेबसाइट भी यहाँ पर है। अब देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं आपको google.ca वगैरह है, इसके बारे में हम थोड़ा नहीं जानते हैं। google.com google.co.in ये गूगल जो है ये यूनाइटेड स्टेट की फर्स्ट रैंकिंग है, ग्लोबल रैंक एक नंबर पे है इसकी। वे देखिए हमारे इंडिया की google.co.in वेबसाइट है, co.in वेबसाइट है। इसमें देखिए थोड़ा सा वेट करिए, देखिए एक नंबर पे गूगल रैंक आ रही है, 15 नंबर पर ग्लोबल रैंक आ रही है, एक नंबर पे इंडिया की रैंक आ रही है google.co.in, ग्लोबल रैंक है इसकी। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसके बैक करता हूँ, देखिए फेसबुक की डिटेल आ गई हमारी पूरी, दूसरे नंबर पर रैंक यूनाइटेड स्टेट की है, दो नंबर की ग्लोबल रैंक है इसमें, तीन रैंक इसमें यूनाइटेड स्टेट की है। फिर थोड़ा सा क्या और प्लस करता हूँ। देखिए कुछ इसमें ऐसी वेबसाइट है जिसे हम देखे ही नहीं हैं, देखिए कुछ ऐसी वेबसाइट इसमें दिख रही है, जितना आप जूम करते जाओगे उसी के हिसाब से इसका ये वेबसाइट दिखता रहेगा सब लोगों को। आपने भी वेबसाइट बनाया होगा तो आपका भी इसमें दिखेगा, पर छोटा रहेगा तो छोटा बॉल रहेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा साइज में रहेगा। ये देखिए yahoo.com इधर है, इसका यूट्यूब का वो डिटेल आ गया, तीन नंबर इसका देखिए डिटेल नहीं है हमारे पास इस वेबसाइट के पास। आप लोगों का ये डिटेल @this.com इस पर 109 ग्लोबल रैंक है, 57 रैंक यूनाइटेड स्टेट में, इसमें हर चीज़ का डिटेल दिखाई देगा। ये अच्छा वेबसाइट है, आप सब लोग यूज कर सकते हैं। youtube.com इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और देखिए इसका भी नहीं है, मतलब जितने छोटे वेबसाइट हैं वो लोग अपना डिटेल दे नहीं पाते हैं इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो पाता। ये देखिए और मैं जूम आउट करता हूँ, इसका भी नहीं है, देखिए गूगल और इसका भी, एक मिनट इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये ब्लॉग स्पॉट है जिस पर आप ब्लॉग बनाते हैं, फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वो है 38 ग्लोबल रैंक इसके ट्विटर।